दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाली मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय लिफ्ट और सोसाइटी। अब लिफ्ट के बारे में आप जब बात करना चाहते हैं तब लिफ्ट और सोसाइटी में उसके कारण झगड़ा ये बहुत बार देखा जाता है। जिसके जितने जितने पुराने सोसाइटी है उस सोसाइटी ने अगर मान लो लिफ्ट लगाने की तय किया है, एजीएम में उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर के जो लोग रहते हैं उनको पांच पांच माले या चार चार माला चढ़ना एक उम्र के बाद वो बहुत तकलीफ वाला हो जाता है, घुटन में दुखन होती है। और फिर वो बोलते कि भाई लिफ्ट लगाना है, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाले बोलते हम तो लिफ्ट में कभी चढ़ेंगे नहीं, हम क्यों खर्चा करें भाई, हमारा पैसा उसमें क्यों लगाए। तो ये चर्चा चलती रहती है। आज इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, बात करना चाहता हूं कि लिफ्ट और समाज की, अपनी सोसाइटी की। अब लिफ्ट जब हम बात करते हैं तो लिफ्ट का एक जीवन होता है, जीवन काल वो 20 से 30 वर्ष होता है। उसका डिजाइन, उसका उपयोग, पर्यावरण और रख रखाव यानी उसका मेंटेनेंस के ऊपर वो लिफ्ट का आयु बढ़ता है या तो कम हो जाता है। आपने कुछ भी नहीं देखा, देखा ही नहीं है लिफ्ट को, कब बंद पड़ेगी तो आपको लिफ्ट मेंटेनेंस की याद आएगी, तो लिफ्ट का उम्र तो कम होना ही होना है। अब जो केबल होती है, आप जब लिफ्ट अगर शांति से देखेंगे जहां वो तार वाली लिफ्ट होती है तो उसमें दिखता है पीछे का, तो लिफ्ट जब ऊपर चली जाती है तब वो लोखंड का जो वजन होता है वजन पीछे लगाया वो नीचे आ जाता है और वो ये केबल वो पकड़ता है। अब ये केबल है, केबल का भी आयु 10 से 15 ही होता है। 10 साल या 15 साल के बाद वो केबल में जो डिफेक्टिव केबल है वो बदलना चाहिए, नहीं तो केबल टूटता है और टूटने से ऊपर से आदमी नीचे गिर सकता है, पूरा लिफ्ट गिरता है। बहुत बार ऐसे डिफेक्टिव लिफ्ट से आदमी गिरे है, मीन लिफ्ट गिरी है, गिरने से अंदर वाले लोग बहुत सीवियरली इंजर हो गया तो मर गए। तो ये कारण है क्योंकि लिफ्ट का केबल नादुरुस्त था, अच्छा नहीं था, डुप्लीकेट लगाया था। अब लिफ्ट की मोटर रहती है उसका भी आयु 20 से 25 साल रहती है, यानी इतना आपके दिमाग में रखो कि 20 साल जब एलिवेटर अपना आयु निकालता है तब उसमें अलग अलग कार ऑपरेटिंग पैनल हो, केबल और ट्रैवलिंग केबल इसे अलग अलग डिपार्टमेंट में उस बदल की आवश्यकता निर्माण होगी। अब ये मेंटेनेंस जो होता है वो मेंटेनेंस तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, इतना याद रही एएमसी तो करना ही करना है, पर बहुत बार लिफ्ट बंद होती है। और भी बंद होती उसका कारण एक तो बिजली गुल हो जाती है, नियंत्रण प्रणाली में खराबी आ जाती है, या तो यांत्रिक विफलता होती है। अब ये कारण जो ऊपर ऊपर से है, लिफ्ट बंद होगी तो गालियां पड़ती है सेक्रेटरी को, क्या सेक्रेटरी बना यार इसको, एक सादा लिफ्ट वो नहीं अच्छा रख सकते, खाली पुकट रहा, मेंटेनेंस हम भर रहे, क्या फायदा। अब ये जो बात तो सेक्रेटरी को सुननी को पड़ती है। पहली बात ये कि एक तो तुम मेंटेनेंस हर साल में हर 3 महीने के बाद जो मेंटेनेंस आवश्यक मेंटेनेंस हो तो करना ही करना है। फिर अगर मान लो पावर फेलियर हो गया तो आपके पास बैकअप लाइन कुछ तो चाहिए, यानी लिफ्ट अगला और या तो पिछले किसी भी मजले के ऊपर वो आके रुकेगी, यानी आदमी बाहर आ सके। कुछ भी हो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, लिफ्ट में नहीं क्या नहीं है, ये सब चीज आ जाती। अब सोसाइटी क्या करती, सोसाइटी मेंटेनेंस लेती। अब सोसाइटी के मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, तो पानी आता है, बिजली आता है, लिफ्ट आता है, जिम आता है, पार्किंग आता है, संपत्ति कर आता है, मरम्मत आती है। और मेंटेनेंस में लिफ्ट का मरम्मत भी आता है और लिफ्ट का बाकी का खर्चा भी आता है। तो लिफ्ट का मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के। आप पैसा तो ले रहे तो मेंटेन क्यों नहीं कर रहे। पर एक बात है, सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल मैं क्यों भरू भाई, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट का मेंटेनेंस मैं क्यों भरू, ये आप बोल नहीं सकते। आप ग्राउंड फ्लोर पे भी रहो, आपको लिफ्ट का मेंटेनेंस लिफ्ट में जो लिफ्ट मैन है उसका खर्चा आपको लेना ही लेना है, इतना दिमाग में रखो। और दूसरी बात, मान लो आप ऊपर के माले में रह रहे हो और लिफ्ट की मरम्मत नहीं हो रही, अच्छी तरह नहीं हो रही है, बार बार बंद हो रही, तो आप सोसाइटी को ये नहीं बोलेंगे कि मैं मेंटेन नहीं भरूंगा, आप लिफ्ट की मरम्मत नहीं करूंगा, मैं मेंटेन नहीं भरूंगा।
आप कंप्लेन कर सकते हो, आप सहकारिता विभाग के ऊपर रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन करो कि भाई ये लिप मेंटेनेंस नहीं करती, मेंटेनेंस का बिल तो लेते पर बीच में आप मेंटेनेंस रोकथाम नहीं कर सकते, इतना दिमाग में रखे। आज का विषय लिफ्ट का था, और सोसाइटी में खास करके जब लिफ्ट लगती है तब क्या क्या चीज आपके सामने आती है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में था। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।